वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग सारे हिमाचल के लिए सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आई होप आप लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी जी के पास जाकर जमा करवा दिए हैं। कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर दो लोगों के बराबर नंबर होंगे तो किसका सिलेक्शन किया जाएगा। वैसे यह बात तो सिलेक्शन करने वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। जो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग वहां सिलेक्शन करने के लिए बैठे होंगे, उनके ऊपर निर्भर रहेगा कि वो किसका चयन करेंगे। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो जिसके 8th में ज़्यादा मार्क्स हैं, 10th में ज़्यादा मार्क्स हैं या जिसने ग्रेजुएशन की है, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जिसने भूमि दान दी है, हो सकता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जो एज में ज़्यादा सीनियर है उसको प्रायोरिटी दी जाए। आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को कब तक बुलाया जाएगा? तो मई महीने में पूरा चांस है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए। मई महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है और जून महीने में आप लोगों की स्कूलों में ज्वाइनिंग भी हो सकती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।